ये देखिए प्यारे, दाल तकरीबन अधगली हो गई है। अब इसके अंदर में मैं नमक और दूसरा सामान डाल रही हूँ, ठीक है। ये देखिए ये डाल देंगे मैं कुटी मिर्चें, एक चम्मच कुटी मिर्चें और एक चम्मच पीसी मिर्च डाल दी हूँ और आधी चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। ये देखिए और इसमें नमक डाल देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब ये बाकी मसाले के साथ पकेगी। अभी एक इसके अंदर मैं इमली डाल रही हूँ, चाहे अगर आपके पास इमली नहीं है ना तो आप टमाटर डाल दें, टमाटर डाल दें, ठीक है। ये काफ़ी है इमली, ठीक है। ये सब अब ये पकेगा, अभी ये मज़ीद और पकेगी मसाले के साथ। ये मसाले के साथ बना रही हूँ बाकी की, अपना बाकी है अभी ये मसाले के साथ पकेगी अभी। ये देखिए, ये देखिए, ये मजीद मसाले के साथ पकेगी, ठीक है। ये समझ लें अभी 15-20 मिनट लगेंगे इसको अभी। ये देखिए प्यारे, ये गले, ये दाल गल चुकी है, इसमें इमली वगैरह मैंने सब डाला था, आपको दिखाया था, और इसका मैंने बघार भी तैयार किया हुआ। ये देखिए बघार है इसका, जीरा लहसुन और साथ साबित मिर्चें डालनी हो तो आप डाल लें, ये इसका बघार है, ठीक है ना। ये देखिए आपके सामने डाल देंगे अभी, सही है ना, ये हो गया इसका बघार डल गया, नमक वगैरह हर चीज़ें पड़ी हुई इसके अंदर, सही है ना। ये देखिए इसका हो गया बघार तैयार, और बघार कर भी दिया मैंने, ठीक है। ये हो गई है आपकी, सही है, ये दाल हो गई है मेरी, सही है, ये मेरी बन गई है दाल, ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं दाल और चावल चढ़ा रही हूँ, इसी पे ही चढ़ाऊंगी ताकि यहाँ से जरा चूल्हे का मसला हल हो जाता है, जरा दिख जाता है जरा, इसलिए भी ये 3 अफराद के 2 अफराद के चावल बन रहेंगे, सही है ना। ये देखिए ये चावल बना रही हूँ सादे, ये हाथ से चढ़ा रही हूँ, भिगोने का टाइम नहीं था इसलिए मैंने ऐसे ही चढ़ाया सारा, सही है ना, बहुत सिंपल सा है, आपने देख लिया होगा, सादा, इसमें परेशानी नहीं है, पंचायत नहीं है कोई भी, ठीक है ना। ये मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और इसमें अब डाल रही हूँ थोड़ा नमक, सही है ना। ये देखिए नमक डाल देंगे, इसमें उबाल आ जाएगा तो ये कम इसमें दम पे रखूंगी, थोड़ा पानी पसा के उबाल आएगा तो उसका पानी थोड़ा सा निकालना है, फिर उसको दम पे लगा देना। इसका उबाल आ जाएगा, इसमें उबाल आ जाएगा, थोड़ा पानी पसा के हल्का सा जब कनी रह जाए इसमें दम पे लगानी है, फिर मैं आपको चावल प्लेट में चावल दाल वाल चटनी वटनी सब बताती हूँ, दिखाती हूँ फिर मैं आपको। उबाल आ रहा है, थोड़ा सा आंच तेज किया है कि थोड़ा सा गले भी और फिर बन भी जाए सारा। ये देखिए मैंने चावल बना लिए हैं, उबले हुए चावल, ज़ाहिर है मेरे पास जितने अफराद है उस हिसाब से मैंने चावल बनाए हैं, और ये आपको दाल भी दिखा दी थी मैंने। ये देखिए दाल मेरी पकी हुई है, दाल तैयार है पूरी, ये देखें, सही है। अब ये चावल भी तकरीबन हो चुके हैं, थोड़े से हैं कनी है थोड़ी सी है, थोड़ा सा और हो जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट चढ़ाए हैं, भिगोए नहीं थे मैंने,
तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है इन चीज़ों में। और प्यारे भी बस मेरे पास जो मैंने जो बनाई हुई है ना वो ये देखें, केरी की चटनी है। केरी की चटनी मैंने बनाई है, केरी की चटनी है। और आप चाहें तो अचार भी रख लें, सलाद बनानी है तो सलाद बना लें। मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल है वो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको। पर ये थोड़ा सा है कि ये चावल थोड़े से हैं वो गल जाएं, थोड़ी सी कनी रह गई है, बाकी सारा मैं तक तैयार है मेरा। अच्छा प्यार भी, तो मैंने आपको भी चावल वगैरह दिखाए, थोड़ी सी कनी है और अब तकरीबन ये मुकम्मल हो जाता है तो मैं आपको प्लेट वगैरह बना के दिखा देती हूँ। मैंने केरी की चटनी भी आपको दिखाई है बनी हुई, और दाल चावल तकरीबन थोड़े तैयार हैं, बस थोड़ा ज़रा सी कनी है इसमें। और दाल भी दिखाई है आपको मैंने, दाल पक चुकी है, भगार भी लग चुका है उसका। भगार क्या था, ऑयल डालें, लहसुन जीरा ये सिर्फ डाल के ही भगार लगाना है। बाकी आपको और कुछ डालना हो उसमें तो वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, चलें ठीक है, मैं आपको भी बाकी प्लेट बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी एक वीडियो बना रही हूँ, दाल चावल और केरी की चटनी है। बाकी पानी शरबत जो आपको रखना है रखें, अभी जो मैं कर सकती हूँ वो मैंने की कर रही हूँ। और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ये सिंपल सी बहुत पसंद आएगी। ठीक है प्यारे, बस चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, सबको मेरा सलाम, बाकी सबको मेरा सलाम, अल्लाह हाफिज़।